किसान वीरों जिस तरह घर दी मुर्गी दाल बराबर होंदी है ना, इस तरह पाकिस्तानी किसानों के सामने असी ज़राई साइंसदान या ज़रात के एक्सपर्ट लोग दाल बराबर हैं। और असी जितनी भी सियानी गल कर रही है वो तुहानू पसंद नहीं आती, क्योंकि तुसी आप बहुत वड्डे साइंसदान हो और जिहड़ा किसान होंदा है बहुत वड्डा एग्रोनमिस्ट होंदा है, इस ते असी मन लैने हैं। ठीक है, अज जिहड़ी मैं गलबात करनी है ना, वो ये है कि इस टाइम दे विच मकई स्टोर कर रहे हैं लोग, यह स्प्रिंग यानी कि बहारिया मकई खड़ी है, हाले तक बारिशां पै रही हैं, लेबर नहीं मिल रही, रेट घट है, इस वास्ते लोगों ने मकई नूं स्टोर करने का इरादा किया हुआ, बल्कि बहुत सारे लोगों ने स्टोर की भी है। चार पांच गल्लां असीं करांगे स्टोर करने के हवाले नाल जिहड़ियां तुसीं याद रखनियां। यह छली जिहड़ी है ना, यह टांडा थले डिगा भी असीं इहदे उत्तों मैं चाहिए है, और तुसीं इहनूं वेख सकदे हो कि यह अगर तुसीं जूम करके इहनूं वेखोगे ना, तो मैं इहदी तस्वीर भी कोशिश करांगा भी नाल तुसीं वेख सको। यह फंगस इहनूं लग गई है, दाणा खराब हो गया। ठीक है, हुण यह जिहड़ी छली खड़ी है ना, यह बिल्कुल ठीक खड़ी है, इहनूं फंगस नहीं लगी। ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा कि इहदे उत्ते बारिश पै पै के इहनूं फंगस लगनी शुरू हो जाएगी। इस वास्ते जिहड़ी मकई खड़ी है उन्हूं जल्दी जल्दी तुसी हारवेस्ट करके आपदे घर रखो। हुण घर रखना स्टोर करने का जिहड़ा तरीकाकार वह ये है कि साढ़े कई दोस्त जिहड़े ना वो इहनूं शैल करके ना दाने उतार के बोरियां भर के रखी जा रहे हैं, ये बिल्कुल तरीकाकार गलत है और इहदे नाल तुहाडा बहुत सारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दाणा जदों छली दे नाल मौजूद होंदा है ना, इस टाइम तक इहदे अंदर फंगस नहीं जा सकती, दाणा अंदरों काला नहीं हो सकता। ठीक है, जदों ये छली दे नाल टुटना है तो इहदे अंदर फंगस जाण दा खतरा होंदा है। हुण साडा जिहड़ा माहौल है उहदे विच इह ते है नहीं कि जनाबे वाली असीं इहनूं एयर टाइट कमरियां दे विच रख देंगे जिथे हवा दा गुजर बसर नहीं होएगा, नमी नहीं होएगी। इस वास्ते दाणे जदों उतरे हुए असीं रखांगे तो उन्होंने बहुत जल्दी फंगस लग सकती है, वो दाने काले हो जाएंगे, नाकू के काले हो जाएंगे, जिनकी वजह नाल उनकी क्वालिटी घट जाएगी और उस तो बाद वेच नहीं सकते। इस वास्ते स्टोर करने का सही तरीकाकार यह है कि इनू छली जी है ना, यह छली उतार के इन बोरियां भर के तुसी रखो। ठीक है, सिट्टियां समेत रखो, छली भी इनू कहने, सिट्टा भी कहने, ये बोरियां सेबिया वाली तुसी भरनियां, दूसरिया बोरिया नहीं भरनिया, दूसरिया बोरिया के भी इनू फंगस लग जाती है, जिहड़ियां पोलीथीन दियां जां जो भी इस्तेमाल हो रही सेबिया वाले बोरियां जिन्हों पटसन भी असं कहने। उस तो बाद जनाबे वाली इनू तुसी हवादार जगह पर रखना। ठीक है, बोरिया की जनाब तुसी जिहड़ी है ना थदियां ला देनियां जां उत्ते लाइना बना देनियां, थले बोरी रख के उत्ते उत्ते बोरियां रख दियां जाणियां, और जिहड़ी जगह पर तुसी रखना है वह जगह जिहड़ी है उच्ची होनी चाहिए है, उन्हां दा इट्टां दा इक थड़ा जिहा बना के उन्दे उत्ते जोड़ो ताकि बारिश बुरश आवे तो थल्लू पानी नहीं पैना चाहता, उत्तों वाला पानी जिहड़ा उन्दे उत्ते तरपाल तरूल पा के बचाया जा सकता है। हवादार जगह पर रखो और उस तो बाद जनाबे वाली पानी ना पैन दो, और सेबे वाली बोरियां जिहड़ियां एक दूसरे के उत्ते रख दोगे तो इस तरह बोरियां जोड़ो कि मतलब ये ना हो उन्दे जो हवा की क्रॉसिंग ना हो सके, हवा की क्रॉसिंग भी उन्दे च होनी चाहिए, फिर असी लंबे अरसे तक इनू असी स्टोर कर सकते हैं और अच्छे रेट लै सकते हैं। और अगर असी इनू दाने ला के स्टोर करांगे, ठीक है, दाने ला के स्टोर करने का मतलब यह है कि जनाबे वाली असी इनू फंगस अगर लग जाती है, दाने काले हो जाते हैं तो रेट 2000 जिहड़ा मिल रहा वह भी नहीं मिलना, और अगर सही उन्दे विच थोड़ी बहुत बच भी जाती है या अद्धी जिहड़ी है काली हो जाती है, अद्धी सही बच जाती तो नुकसान सानू हो जाएगा स्टोर करने का। इस वास्ते नुकसान नूं मिनीमम करने वास्ते सब तो पहले की करना है, छलियां समेत बोरियां भर देनियां, सेबियां वाली बोरियां उन्होंने उच्ची जगह पर रखना है, उन्होंने हवादार जगह पर रखना है, और उन्होंने एक दूसरे के उत्ते दथियां ला के रख देना है ताकि उन्दे विच पानी ना पै सके, और इट्टां जिहड़ी है ना वो जोड़ के थड़ा बना के उन्दे उत्ते रखो। मैं उम्मीद करना कि स्टोर करने का जिहड़ा तरीकाकार है उन्हें तुसीं बेहतर तरीके नाल चला सकते हो, और वीडियो तुहाडे वास्ते फायदेमंद साबित होगी। बेहद शुक्रिया।